हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 15th अप्रैल ऑफ 2019 और यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है बेसिकली माइकल जॉर्डन के द्वारा, जो कहते हैं इफ यू क्विट वंस इट बिकम्स अ हैबिट सो नेवर क्विट। तो अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अगर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं, तो वो जो हैबिट है वो यहाँ पे फ्यूचर में भी चलती रहेगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आपको कभी क्विट नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे सैटरडे की क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ करेंसी क्या है यूके की, जैसे कि आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं यूके की कैपिटल बेसिकली लंदन, और यहाँ पे अगर उसी करेंसी की बात करेंगे वो है पाउंड स्टर्लिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको कहाँ नजर आएगा, ये बेसिकली आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है बेसिकली एविएशन सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इंडियन एविएशन वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे जो एयरलाइंस है वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लॉस देखने को मिल रहा है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में समझेंगे रिसेंटली जेट एयरवेज में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ एयर इंडिया का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है विथ रिलेशन टू सिविल एविएशन, उसके बारे में हम समझेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली ब्रेक्सिट से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फिर से जो यहाँ पे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठाया जा रहा है क्या यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंसेंसस यहाँ पे गेन करने की जो जरूरत थी वो नहीं हो पा रहा है, क्या है? इसकी वजह यहाँ पे पोअर लीडरशिप है या कोई और रीजन भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। तो यहाँ पे WHO ने जब यहाँ पे UHC को डिफाइन किया तब उसमें जो है यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं। पहला हो सकता है कि यहाँ पे जो है सारे लोगों को यूनिवर्सली मिनिमम जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सके, या फिर यहाँ पे जो पुअर है हर पर्टिकुलर एरिया में उन्हीं को जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पे क्लैरिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली न्यू इंडिया न्यू दलित्स के बारे में है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे जो यहाँ पे जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो हो सकता है रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पे भी जो है यहाँ पे आप अलग अलग फोरम में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है बेसिकली फार्मर की इनकम से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है, जैसे कि यानी पीएम किसान स्कीम हो सकती है, कालिया स्कीम है, रईतु बंधु स्कीम है, उसी तरीके से बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, और नई स्कीम जैसे कि यहाँ पे न्याय स्कीम की जो बात कर रहे हैं, सबका मैंडेट यही है कि यहाँ पे जो है इनकम प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, ताकि उनकी जो यहाँ पे इनकम है वो डबल हो सके। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सारी जो प्रोविजन है शॉर्ट टर्म है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ प्रोवाइड करना ही है तो आपको बेसिकली इरीगेशन सिस्टम इंप्रूव करने की जरूरत है, MSP में यहाँ पे जो फॉर्मूला उसे यहाँ पे इस तरीके से अलाइन करना है ताकि जो फार्मर्स और यहाँ पे गवर्नमेंट दोनों को ही नुकसान ना हो। तीसरी बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और यहाँ पे जो है जो लेंडिंग का प्रोसेस है फार्मर्स को जो पैसे दिए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, तो उसे कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। अगर उन चीजों पर अगर हम वर्क करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम फार्मर्स की इनकम जरूर डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। जिसकी बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बूथ में काम करते हैं तो वो यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यों जो है नॉर्मल पब्लिक यानी कि आम आदमी को क्यों अलाउ नहीं किया जाता पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में ताकि वो उसे रेगुलेट कर सके। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो ये है कि जिन लोगों को आप वॉलंटियर सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है उनकी कुछ इंक्लिनेशन हो सकती है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तब जो है प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप वॉलंटियर सेलेक्ट करते हैं एक पहले और यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं कि इनकी कोई इंक्लिनेशन है या नहीं है, उसके बाद अगर उन्हें अलाउ करते हैं तो शायद यहाँ पे लोगों का जो यहाँ पे बिलीफ सिस्टम है इलेक्टोरल प्रोसेस पे वो शायद थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन वही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगी कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लाइन हुए तो यहाँ पे जो है सवाल उठाया जा सकता है इलेक्शन प्रोसेस पे ही। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को एज पर ऑर्डर में, तो आज की कंट्री का नाम है फ्रेंच गुयाना। तो ये बेसिकली आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगा, इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं कैन है, और आसपास की कंट्रीज देखिए यहाँ पे आपको सुरीनाम मिलेगा और नीचे ब्राजील नजर आएगा, और इसकी लोकेशन ठीक आपको इक्वेटर के ऊपर नजर आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए 21st एशिया इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो है ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं मैरिटाइम सेक्टर को, तो ये हुई थी बेसिकली न्यू दिल्ली में।
अब यहाँ पे अगर बात करेंगे आशियान की, तो आशियान को बेसिकली बनाया गया था 1967 में अंडर दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब इसके अगर जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, उसके बाद यहाँ पे ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को भी ऐड कर दिया गया था। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि इंडिया और आशियान के कैसे रिलेशन रहे हैं 2014 तक, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लू की पॉलिसीज हमने यहाँ पे एक्ट इस पॉलिसी में टर्न किया, उसके बाद यहाँ पे कैसे जो हम यहाँ पे FTA साइन किया है गुड्स में, फिर सर्विसेज में भी अभी भी काम कर रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने बहुत बार पढ़ा है कि यहाँ पे जो है हमारी यहाँ पे जो सिविल इंडस्ट्रीज है तो वो काफी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये नजर आएगी कि बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो लॉस मेकिंग में जा रही है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मैंडेट और बहुत सारी जो एजेंसी उनका काम ये होगा कि कैसे जो है यहाँ पे हेल्थ और कॉम्पिटिटिवनेस एविएशन सेक्टर में वापस बढ़ाया जा सकता है। अगली बात करेंगे कि हमने भले ही डबल डिजिट ग्रोथ देखी है एविएशन सेक्टर में, लेकिन अभी रिसेंटली जो यहाँ पे जेट एयरवेज में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने आई है कि एक ओल्डेस्ट लिस्टेड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन है, लेकिन उसके बावजूद इनका जो डेप्ट है यानी कि उधारी जो है ऑलमोस्ट $500 million जा चुका है। अब यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि किंगफिशर जैसा हाल जो है इस पर्टिकुलर एयरवेज का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रेजेंट स्टैंड क्या है, तो ऑलमोस्ट इनके यहाँ पे जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 14 हो गया, जो 1/5 है जो ओरिजिनल था। उसके साथ साथ यहाँ पे एक सिस्टम होता है लेसर का, मतलब हर जो एयरलाइन होता है वो एयरप्लेन को खरीदता नहीं है, वो बेसिकली लीज पे लेता है। अब जब भी आप लीज पे लेते हैं आपको पे बैक करना होता है, तो वो जो पे बैक करने की जो कैपेबिलिटी वो इनके पास अब नहीं रही। इसी वजह से जो लेसर का इसी वजह से क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे ग्राउंडिंग और यहाँ पे जो कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट है वो इसी का रीजन है कि यहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो सारी ग्राउंड कर दी गई है, क्योंकि उनका जो है अभी तक लीज पे जो अमाउंट पे करना था वो नहीं किया है। अगली बात करते हैं जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर अलग अलग सेक्टर से आ रहा है। पहला यहाँ पे जो जितने भी पायलट जो यहाँ पे काम करते थे उनको यहाँ पे पेमेंट नहीं दी गई है, तो उनकी तरफ से प्रेशर है। उसके बाद जितने लोग यहाँ पे फ्यूल सप्लाई करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे, उसके साथ जितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एडवांस बुकिंग की थी, तो उन सब की तरफ से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है जेट एयरवेज के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेस्क्यू के लिए यहाँ पे SBI ने यहाँ पे सामने और बहुत सारे इन्वेस्टर भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे एयर इंडिया का। एयर इंडिया में भी यहाँ पे सेम सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी भी जो है वहां पे एक सिंगल बायर हमको नजर नहीं आया है। लेकिन जेट एवेस में यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्योंकि उनका मैनेजमेंट थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनका पूरा प्रॉब्लम है यहाँ पे उधारी से लेके। अब अगली बात करेंगे कि यहाँ पे भले ही हमारी जो एविएशन सेक्टर है यहाँ पे ग्रो कर रही है काफी अच्छे से, लेकिन ऑन दी ब्लीडिंग ऑफ ऑल दी अदर एयरलाइंस, क्योंकि आप बात करते हैं कि यहाँ पे प्राइसिंग जो है काफी ज्यादा प्रेडेटर वाइज होती है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगली बात करेंगे कि हमारी कंट्री में टेलीकॉम और फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, उसी तरीके से सिविल एविएशन को भी यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बहुत बड़े लूप होल्स। उसी के साथ साथ हमारी कंट्री में इस वक्त जॉब क्रिएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ पे जेट एयरवेज अगर बंद हो जाता है तो जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जॉब क्राइसिस चल रहा है वो और ज्यादा जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सिविल एविएशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में चीज़ें आती हैं, जिसकी हेलीकॉप्टर हो सकता है, सी प्लेन हो सकता है, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है सिविल एविएशन के अंदर आती है। अगर बात करेंगे यहाँ पे IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो इंडिया जो है यहाँ पे ओवरकम कर सकता है इवन UK को ऑन द रैंकिंग ऑफ एयर पैसेंजर मार्केट में। लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है कि ओवरऑल अगर हम अपने हिस्ट्री की बात करेंगे, हमने काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया है, हमने यहाँ पे अर्ली मार्केट डेवलपमेंट देखी है, स्टेट कंट्रोल भी हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे जो है डीरेगुलेशन भी शुरू हुआ था यहाँ पे। और आप पूरे टाइमलाइन यहाँ पे देख सकते हैं, जब से यहाँ पे 1911 में इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल प्लेन शुरू हुआ था, और यहाँ पे जो मेजर मर्जर्स भी हो रहे हैं सिविल एविएशन में। अगली बात करते हैं कि कौन कौन सी लेजिस्लेशन अवेलेबल है सिविल एविएशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 और रूल्स 1937, तो ये बेसिकली रेगुलेट करता है एयरक्राफ्ट को। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994, ये रेगुलेट करता है एयरपोर्ट्स को। उसी तरीके से यहाँ पे टैरिफ डिस्प्यूट्स, अगर मान लीजिए कोई पीनल एक्शन डालना है हाईजैकिंग से रिलेटेड, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग एक्ट प्रोवाइडेड है। उसके बाद अगर बात करें रेगुलेटर्स की, तो यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स है। एक तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे DGCA है, उसके बाद BCASA यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और यहाँ पे चौथा यहाँ पे एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इतनी जो अथॉरिटीज ये वर्क करती है सिविल एविएशन में, और यही इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि ओवर रेगुलेशन की वजह से भी जो है यहाँ पे जो बहुत सारी एयरलाइंस है ये उसे फॉलो नहीं कर पाती, और यहाँ पे जो लॉस मेकिंग भी हो जाता है ऑपरेशन कॉस्ट में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 7 चैलेंजेस की जो सिविल एविएशन यहाँ पे फेस करती है। पहला यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होता है कि ज्यादातर जो पैसेंजर वो वेट करते रहते हैं, और इसी से जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की, आज ज्यादा जो एयरलाइंस है वो यहाँ पे जो है डेप्ट लेकर अपने एयरलाइंस को चला रही है, और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम जो जेट एयरवेज पर सिनेरियो देख रहे हैं वो आने वाले अलग अलग एयरलाइंस पे भी हो सकती है।
अगली बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों की। एक होता है रुपी डिप्रिसिएशन। जब भी ऐसा कभी होता है कि रुपी की जो वैल्यू वो डिप्रिशिएट होती है, तब जो है यहाँ पे हम जो पे बैक कर रहे हैं, ये जो लीज लेशन और लीज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जब आप पे बैक करते हैं लीज के लिए मनी, तो वो डॉलर में दिया जाता है। तो इससे जो यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है कितना आप यहाँ पे पे बैक कर रहे हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पे एविएशन टर्बाइन फ्यूल की। अब यहाँ पे जो टैक्स लिवी किया जाता है ATF पे, वो काफी ज्यादा है हमारी कंट्री में। इसी वजह से ऑपरेशन का जो कॉस्ट है यहाँ पे किसी भी एयरलाइन का, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो लो कॉस्ट कैरियर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया मार्केट एरिया में। इससे क्या है, जो प्रीमियम एयरलाइंस है उनको यहाँ पे लॉस और कंपटीशन दोनों ही देखने को मिल रहा है। अगली बात करेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सिक्योरिटी यहाँ पे स्टैंड पॉइंट से आप जानते हैं कि यहाँ पे CISF वालों को लगाया जाता है, तो उनकी पेमेंट्स के लिए और अलग अलग जो यहाँ पे फैक्टर्स है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो भी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए काफी ज्यादा जो है बढ़ जाता है किसी भी एयरलाइन के लिए। अगली बात करेंगे रेगुलेशन की। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर रेगुलेशन नजर आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चार रेगुलेटर्स अवेलेबल है और इतने सारे एक्ट्स है, जब इतना ज्यादा आप जब गवर्नेंस करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से ओवर रेगुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है एविएशन सेक्टर में। अगला कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है जिन्होंने रिकमेंड किया कि कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं हम लोग एयरलाइन में। ये तीन इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, उनके रिकमेंडेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप कभी भी कोट कर सकते हैं किसी भी आंसर में। एक है नरेश चंद्र कमेटी जो 2003 में आई थी, फिर अजय प्रसाद कमेटी थी जो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक एविएशन के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पे था एक और धर्माधिकारी कमेटी 2012 में जो यहाँ पे मर्जिंग ऑफ एयर इंडिया और एयर इंडिया एयरलाइन से रिलेटेड था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है ब्रेक्सिट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पूरा कंफ्यूजन है कि कैसे जो है यहाँ पे एग्जिट होगा ब्रिटेन यहाँ पे EU से। तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड यहाँ पे थक गया है देखते देखते कि कौन कौन से डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे जो है दूसरी डेडलाइन भी दे दी गई है, यहाँ पे समवेयर अराउंड अक्टूबर 31 तक जो है यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो फॉग लगा हुआ है कि यहाँ पे ब्रेक्सिट कैसे होगा, हार्ड होगा सॉफ्ट होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करना बाकी है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आयरिश यहाँ पे बैकस्टॉप है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बॉर्डर है उस पर अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन है आयरलैंड के। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरा रेफरेंडम होगा या नहीं होगा। अब इन सारे सवालों का जवाब तभी दिया जा सकता है अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अवेलेबल हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो पीएम थेरेसा मे ऑलरेडी 3 बार डिफीट देख चुकी है पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका जो यहाँ पे बिल रखा गया था वो पास नहीं हुआ था। उसके बाद एक और चीज हम जानेंगे कि यहाँ पे जो अगर नेगोशिएशन कर रहे हैं, अगर बिना नेगोशिएशन के अगर छोड़ देता है ब्रिटेन, तो बहुत ज्यादा केओस आ सकता है पूरी कंट्री में। और यहाँ पे जो पूरा केओस आएगा उसका जो पूरा ओनरशिप होगा वो होगा पुअर लीडरशिप में जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगली बात करेंगे जून 2016, जब से यहाँ पे ब्रेक्सिट का वोट हुआ है 52% से जब लोगों ने बोल दिया कि EU से बाहर आना है, तब से हम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को आ रहे हैं। लेकिन इंडिया को ज्यादातर इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रिटेन के यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे स्टैंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जो है सबसे पहले ट्रेड डील्स करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, और फर्स्ट टायर कंट्रीज में इंडिया का नाम अभी भी नहीं है। अगली बात करते हैं कि कैसे जो है अगर ब्रेक्सिट हो जाता है तो इंडिया के रिलेशन में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड की। तो ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है, तो इसी वजह से हो सकता है कि आगे जो है वो भी अमेरिका की तरह प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो कर सके। लेकिन अगर बात करेंगे इंडियन बिजनेसिस की, तो इंडियन बिजनेस इस वक्त यहाँ पे फ्री ट्रेड यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं EU में, लेकिन हो सकता है बाद में जो है टैरिफ को उन्हें फेस करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा का जो UK में रहता है, तो वो बेसिकली अभी जो है रिस्ट्रिक्टिव वीजा रिजिम के अंदर वर्क कर रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आ सकता है ताकि जो भी इंडियन है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं ब्रिटेन के लिए काफी आसानी से। अब बात करते हैं इंडिया UK रिलेशन से। अब यहाँ पे EU के साथ हमने कोई भी यहाँ पे जो है रिलेशन या फिर कोई अग्रीमेंट इतना बड़ा साइन नहीं किया है, और उसके लिए हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो हमेशा ब्रिटेन रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पे ब्रिटेन हट जाता तो हमारे और EU के बीच में कोई यहाँ पे मिडिल मैन की तरह कोई हो नहीं सकता, तो इसी वजह से हमें डायरेक्टली यहाँ पे EU के साथ बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू दलित न्यू इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे दलित को यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, एक है अजर्शन और एक है एस्पिरेशनल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एमर्जेंस ऑफ जिग्नेश मेलवानी जो कि गुजरात को बिलोंग करते हैं, उसी के तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो कि UP से हैं, ये बेसिकली अजर्ट कर रहे हैं अपने जो यहाँ पे दलित कम्युनिटी को यहाँ पे और ज्यादा अपहोल्ड करने के लिए। अगला यहाँ पे बात करेंगे मिलिंद कांबले, तीना डाबी, कनिष्क कटारिया, तो ये सब लोग जो है ये भी दलित को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे एस्पिरेशनल कॉम्पोनेंट दिखाया अपने स्ट्रगल में। अब यहाँ पे बात करेंगे मिलिंद कमले के, तो इन्होंने क्या किया है, 5,000 से भी ज्यादा जो MSMEs हैं उनको यहाँ पे इंटरकनेक्ट किया है थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है दलित इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं इवन मुद्रा स्कीम में क्या देखा जा रहा है कि इवन दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे जॉब गिवर बनते जा रहे हैं, ना कि जॉब सीकर। ये काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो रिसेंट टाइम में हो सकता है कि एक कॉर्नर स्टोन ये होगा कि रिप्रेजेंटेशन भी इनका बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि डिसीजन मेकिंग में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है इवन प्रेजेंट टाइम्स में। अब तक जो है कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी SC
को बिलोंग नहीं करता और ये कोइंसिडेंस की बात नहीं है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि जो न्यू जनरेशन ऑफ स्ट्रगल होगा वो दलित के द्वारा वो होगा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। तो WHO ने यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ डे में यहाँ पे UHSE फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, तो ये बेसिकली थीम रखी थी यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे की, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन वो अलग अलग तरीके हो सकता है जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन उसी को क्लैरिफाई करते हुए ये बोला है कि UHSE यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये सबके लिए होना चाहिए भले ही कितना भी मॉडेस्ट पैकेज क्यों ना हो ऑन द इनिशियल फेसेस। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करेंगे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ताकि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है वो 15 से 16% ही रहे। इसी वजह से हमने यहाँ पे आयुष्मान भारत की शुरुआत की हमारी कंट्री में, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नहीं हैं, उनका जो शॉर्ट सप्लाई है, और जहां पे भी आपको नजर आते हैं क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो काफी अलग अलग एरिया में आपको नजर आएंगे, तो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इतना ज्यादा जो है कंप्लीट तरीके से आपको नहीं नजर आएगा। अगर बात करेंगे WHO की डेफिनेशन UHC की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी शुड रिसीव हेल्थ सर्विसेज एंड विदाउट सफरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है यहाँ पे UHC की। लेकिन अगर बात करेंगे हमारी कंट्री में, तो पब्लिक स्पेंडिंग जो है ये लाइफलाइन है यूएसए की। अगर यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ जाती है तभी जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं हर किसी को बेसिक हेल्थ सर्विसेज। अगली बात करेंगे यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर में, आपको समझना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर अगर फाउंडेशन नहीं बनाते हैं तो तब तक आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पा ही नहीं सकते हैं। अगली बात करेंगे यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी। अब यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी आप यहाँ पे गांव में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको धीरे धीरे आपको एडवांस में भी जो है यहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत है। अब इसके लिए जरूरत यह कि जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है उसे यहाँ पे इक्विप करना, और यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंसी है प्राइवेट सेक्टर्स पे उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। भले ही प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे बेंचमार्क की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन वो बैकबोन नहीं बन सकते हमारी हेल्थ केयर सेक्टर की। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैशलेस पॉइंट ऑफ केयर है उसको यहाँ पे और ज्यादा बूस्ट देने की जरूरत है। उसके बाद जो हेल्थ केयर फोर्स में जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना, उनको ट्रेन करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अगर आपको यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अगला क्वेश्चन है, बताइए वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वोटर पार्क इनॉग्रेटेड टू रेज वोटर अवेयरनेस इंस्ट्रक्टिंग पीपल अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस, तो ये बेसिकली शुरू किया था गुरुग्राम में, जो आपको मिलेगा हरियाणा में। अगला जो आर्टिकल आया पेज वन पे वो बेसिकली आया हुआ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अब हुआ ये है कि यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा है, यहाँ पे HDFC और जो रिलायंस का यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 2 लॉस मेकिंग कंपनीज में। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ईसल फर्म्स है, और उसके साथ साथ IL&FC में भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। इससे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब आउट ऑफ मेच्योरेशन जब आपको पैसे पे बैक करने, अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पे बैक नहीं कर पाएंगे, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आई है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास इतनी केबिलिटी नहीं होती कि आप कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं जिसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है एक मैनेजर के द्वारा। ये जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो रिटर्न आता है उसमें से कुछ रिटर्न जो इन्वेस्टर को दे देते हैं, तो ये पूरा मॉडल होता है म्यूचुअल फंड्स का। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके नए सेक्रेटरी आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डायलॉग की शुरुआत हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। उसके बाद जो राइट साइड पे आर्टिकल है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो DD न्यूज का जो कवरेज है यहाँ पे इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे देखने को मिला है कि BJP का यहाँ पे ज्यादा कवरेज हो रहा है कंपेयर टू कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन सी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे पार्टनर किया है CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि जो है यहाँ पे वेटलैंड के जितने भी एरिया से उसमें कॉम्बैट कर सके क्लाइमेट चेंज को, तो ये पहली बार हुआ है इसरो के साथ। अगला आर्टिकल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आया VVPAT से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं EVM की ऑथेंटिसिटी पे, तो इसी वजह से सारी ऑपोजिशन पार्टी सामने आके बता रही हैं कि आधे से ज्यादा जो EVMs है उनके साथ VVPAT अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पे उसको रिप्लाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि यहाँ पे उनके पास टेक्निकल जो यहाँ पे टीम है वो अच्छे से काम कर रही है, जब भी जो है ग्राउंड सिनेरियो में कभी भी ऐसा हैम्परिंग नजर आती है तो उसके संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे एक शख्स का नाम भी लिखा गया हरिप्रसाद वेमेरू, जिन्होंने यहाँ पे 2010 में हुआ ये था, इन्होंने यहाँ पे चुराया था और ये बताया था कि EVM में कौन कौन से डिफेक्ट है, तो उनके खिलाफ अभी भी कोई केस नहीं चला, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पे VVPAT के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि ये बेसिकली फीडबैक टू वोटर सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब आपने किसी को भी वोट किया है तो उसका जो है यहाँ पे नाम आ जाता है इस VVPAT में, उसके बाद आप बेसिकली 7 सेकंड तक इसे देख सकते हैं, उसके बाद ये चला जाता है। अब उसी तरीके के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे जो है माल फंक्शन है या नहीं है किसी भी EVM में। इसके कुछ 5 फायदे जो आप यहाँ पे कभी भी लिख सकते हैं, एक ये है कि इंस्टेंट फीडबैक एक वोटर को मिल जाता है। उसी तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे VVPAT को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन यहाँ पे असली जीता है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्शन यानी कि अगर कोई भी फ्यूचर में फ्रॉड होता है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हम यहाँ पे VVPAT का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है। और उससे दूसरा फायदा ये होता है कि वोटर और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज दोनों का जो है अश्योरेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। इसी वजह से ऑपोजिशन भी जो है यहाँ पे VVPAT की यहाँ पे मांग कर रहा है सारी EVMs पे।
अगला क्वेश्चन है, बताइए नेम द पर्सन हु हैज बीन कंफर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 ड्यूरिंग एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव कॉन्ट्रीब्यूशन इन लाइफ साइंस। तो ये बेसिकली अवार्ड दिया गया ए के सिंह को। तो इन्होंने बहुत सारे जो है रिसर्च पब्लिकेशन दिए गए हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पे डिटेक्ट करना है इन्फेक्शन डिसीज को, तो उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे दो स्पेसिफिकली यहाँ पे कोटक बैंक और यहाँ पे जो एचडीएफसी है, इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था लॉस मेकिंग कंपनीज ऑफ ईसेल ग्रुप। तो उसी वजह से प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे जो फिक्स मेच्योरिटी प्लान होता है, अब इस प्लान में होता है ये कि आपको आफ्टर फिक्स टाइम आपको कुछ रिटर्न मिलते हैं विद द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो ये बहुत सारे लोग अभी भी पे बैक नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कोटक ने कि ऑलमोस्ट 99.25 जो यहाँ पे इन्वेस्टर उनको पे बैक कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ लोग जो बाकी है उनको विद टाइम पे बैक कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है अभी तक एचडीएफसी और रिलायंस को इसलिए फेस नहीं करनी पड़ी है क्योंकि उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कुछ और है। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे अगर जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया ऑलमोस्ट 950 करोड़ जो है यहाँ पे कॉन्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप बात करेंगे क्या ये एक बहुत ही बड़ा वरीसम इशू है या नहीं है। ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी बैंक्स है वो यहाँ पे एनपीए की वजह से जूझ रहे हैं, अगर उसमें जो है ऑलरेडी लोगों का जो ट्रस्ट है यहाँ पे आईएलएफसी और यहाँ पे एनबीएफसी पे काफी ज्यादा कम हो गया है, अगर यहाँ पे एक और फ्रॉड नजर आता है तो ऑलरेडी लोगों का जो बिलीफ है वो इवन म्यूचुअल फंड से भी यहाँ पे उठ सकता है। अगर बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, तो यूजुअली जो है डेब्ट ओरिएंटेड जो यहाँ पे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनकी जो नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों का जो यहाँ पे फेथ है वो रिड्यूस हो सकता है। अगली बात करेंगे पाकिस्तान के इंजामुन अल हक और यहाँ पे मार्क बुचर, दोनों को ही जो है एमसीसी यानी कि मैलियोबिन क्रिकेट क्लब, इन दोनों में ही जो है एक्सेम्पलरी अचीवमेंट के लिए ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे बताइए मार्क बुचर किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका को। अगला यहाँ पे जो आर्टिकल आया है बेसिकली बता रहा है कि जो इंडियन का इंडियन गर्ल्स का जो एनरोलमेंट रेशो वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू मेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 62% आपको फीमेल में एनरोलमेंट रेशो नजर आएगा कंपेयर टू मेल। उसके साथ अगर बात करेंगे ओवरऑल वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में 92% नजर आता है, लेकिन इंडिया में जो है 97% नजर आएगा प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट में। उसके साथ अगर बाकी कंट्रीज की बात करेंगे तो क्लोजली फॉलो किया जाता है बांग्लादेश और श्रीलंका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन से फ्रीडम फाइटर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में जो रिसेंटली पास अवे हुए थे। तो इनका नाम है बेसिकली परिपुरान पेनोली, जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में भी। अगला आर्टिकल यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पर आया दो ट्विंस के बारे में। तो यहाँ पे जो इश्यू है वो ये है कि यहाँ पे एक शख्स है स्कॉट केली, तो बेसिकली एस्ट्रोनॉट है जो बेसिकली गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इससे क्या है कि और इनके जो ट्विन थे वो ब्रदर वो यहाँ पे हमारे अर्थ में ही थे। अब यहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस हुए जीन में, तो उनको यहाँ पे स्टडी किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो एजिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया टेल्यूमोर्स के द्वारा, तो कि कैसे जो है इस पर इफेक्ट होता है अगर आप स्पेस में जाते हैं, तो उसके बारे में स्टडी दी गई है। अगला आर्टिकल यहाँ पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले होता ये था कि यहाँ पे उनके पास अपना ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होता था और जो प्रेसिडेंट है उसे कहा जाता है सदारे रियासत। अब उसको बेसिकली फिर हटा दिया गया था। अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए 1965 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता जम्मू कश्मीर में की कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जो है इस पर्टिकुलर पोजिशन को हटा दिया गया था और उन दोनों कन्वर्ट कर दिया गया था चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे गवर्नर में। लेकिन अगर बात करेंगे तब जो हुआ करते थे जो प्रेसिडेंट यानी कि सरदारे रियासत, उनको बेसिकली लोगों द्वारा ही सेलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन गवर्नर जैसे कि आप जानते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें यहाँ पे हमेशा ही जो है प्रॉब्लम रहा करती 2015 में भी जब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पूरा केस गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 की थीम क्या है। तो थीम है बेसिकली द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। अगला यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ की बात करेंगे, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन जो है यहाँ पे अपनी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट को यहाँ पे जा रहा है इन कैलिफोर्निया, और इसको यहाँ पे जो स्पॉन्सर किया गया था ये बेसिकली किया था पॉल एलन जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर थे। अब यहाँ पे बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल इंडिया ऑब्जर्व एज द डैश एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर ऑल्सो नोन एज अमृतसर मसाकर। तो जैसे कि आप जानते हैं 100th एनिवर्सरी थी, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ FATF से, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे पाकिस्तान को यहाँ पे जितने भी वो गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी अगर कुछ चीज इंपोर्ट की है तो उसकी डिटेल्स बेसिकली यहाँ पे जो FATF को देने की जरूरत है। अब यहाँ पे FATF की बात करते हैं तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसे 1989 में यहाँ पे शुरू किया था बाय द इनिशिएटिव ऑफ G7। अब इसका काम ये है कि कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को।
अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अवेलेबल है लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ब्लैक लिस्टिंग और ग्रे लिस्ट करते कैसे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री जो है अगर यहाँ पे एड्रेस कर रहा है, एक्शन प्लान ले रहा है यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज और यहाँ पे फाइनेंस को रिड्यूस करने के लिए, उसको ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कंट्री कुछ भी नहीं कर रहा है तब उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस वक्त ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे ईरान और नॉर्थ कोरिया नजर आएगा। अगर बात करें ग्रे लिस्ट की तो आप पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया और यमन नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे फ्रेम किया न्यू रूल्स फॉर लॉन्चिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन शिप्स एंड पोर्ट्स। तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और चीज आप जान सकते हैं, बेसिकली यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका काम है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करना फॉर ऑल द शिपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाई शिप्स। अगला आर्टिकल इकोनॉमी पेज पे, बेसिकली जो ऑर्डर आया था फरवरी 12 को, तो उसको यहाँ पे क्वैश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे रेगुलेशन थे उसको स्टिल फॉलो किया जा रहा है। अब इस रेगुलेशन के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पे क्वैश किया था इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, तो उसने तीन चीजें साइड की थी। पहली चीज ये कि यहाँ पे जो 180 डे की जो लिमिट है, ये बेसिकली ट्रीट कर रहे हो आप अनइक्वल को भी एज इक्वली, जो कि अगेंस्ट है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनकी अलग अलग डिमांड्स होती है। अगर आप सब हर किसी इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से यहाँ पे अगर हैंडल करेंगे तो काफी गलत रहेगा, डिस्क्रिमिनेटरी रहेगा, इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वैश किया। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे जो आरबीआई का सर्कुलर है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ 2017 है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की असेंट की जरूरत होती है, लेकिन इस पूरे एक्ट जो ऑर्डर में गवर्नमेंट की असेंट की जरूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि आरबीआई जो है सारे ऑर्डर्स खुद ही यहाँ पे ले रहा था, इसी वजह से भी इसको क्वैश कर दिया गया था। अगली बात करेंगे यहाँ पे, बात करें कि वन साइज फिट ऑल का यहाँ पे सोल्यूशन को इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा गलत है। क्योंकि आप बात करते हैं कि ज्यादा जो प्रॉब्लम वो इसलिए हो रही थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो पॉलिसी चेंजेस किए हैं, यहाँ पे जो नॉन पेमेंट ड्यूज बाय द डिस्कॉम है उसकी वजह से जो यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाए थे बैंक्स को, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर्टिकुलर 12 फरवरी 2018 के ऑर्डर को क्वैश कर दिया था। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए रशिया की कैपिटल करेंसी क्या है, और अगला क्वेश्चन है, बताइए चंदौली नेशनल पार्क आपको कौन से स्टेट में नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।